अभी 3:30 बज चुके हैं और भाई खतरनाक डर लग रहा है, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है बाहर जाने की। आप सुन सकते हो बाहर जानवरों की आवाज आ रही है, ये रहा देखो भाई, बहुत ही दिखने में काफी टेस्टी दिख रहा है ये। ठीक ठाक बन गए गाइस। तो हे व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने न्यू नाइट कैंप में गाइस। और आज मैं वापस से सेकंड वाली हमारी कैंप करने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं सलीम भाई को लेके गया था, लेकिन इस बार मैं अकेले जाने वाला हूँ और सारा सेटअप मेरा तैयार है। ये रहा, आप देख सकते हो स्लीपिंग बैग भी ने लिया है अपना बैग और सामान खाना बनाने का और कैंपिंग टेंट और ये वाला स्टैंड और ये 2-3 लोग जो मुझे विदाई देने के लिए खड़े हैं। तो अभी स्कूटी लेके हमारी चलते हैं और निकलते हैं और मिलते हैं सीधा जंगल में। भाई साहब ये देखो रास्ता ऐसा है और अकेले को सर्वाइव करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। टिक 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 करके चलते रहे हैं और अभी आगे तक हमें चलना है। रास्ता काफी दिक्कत दे रहे हैं हमें, अब देख लो एक हाथ से चला रहा हूँ गाइस, काफी दिक्कत हो रही है अभी। अभी फिलहाल हम एक अच्छी सी लोकेशन पर रुके हैं और काफी खूबसूरत लोकेशन है यहाँ पे, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे मेरे आप देख सकते हो एक नेक्स्ट लेवल जंगल है, पीछे देख सकते हो पूरी पहाड़ी एरिया है। और यहाँ पे आगे हम इस रास्ते से सीधा जाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ ये रास्ता है, यहाँ से सीधा जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमें कैंप कर सकता हूँ, बट इधर कैंप नहीं करने वाला हूँ, डीप जंगल में हम चलने वाले हैं। और बताया जाता है कि यहाँ पे मतलब सियार जिसे बोलते हैं, मारवाड़ी लैंग्वेज में हाड़िया बोलते हैं मारवाड़ी लैंग्वेज में, और सियार उसे बोलते हैं, सियार बोलते होंगे शायद, आई डोंट नो। तो अभी हम आगे चलते हैं। अभी हम रुक चुके हैं यहाँ पे और यहाँ से स्टार्ट होता है भाई अपना जंगल, और यहाँ पे गाड़ी मैंने लगाई है। अंदर हम डीप जंगल में जाते हैं। भाई साहब बहुत ही भयंकर हालत ख़राब हो रही है, एक तो हमारे पास वेट है प्लस जगह हम ढूंढने में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। सो लेट्स कंटिन्यू करते हैं, पहले जल्दी से एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं और फिर मिलते हैं। भाई साहब इतनी बड़ी दिक्कतें होती है भाई कैंपिंग करना, वैसे नॉर्मल तो आसान तो नहीं है इतना भी, क्योंकि आज ये मेरी सेकंड ट्रिप है। सो अभी हमें ये लोकेशन मिली है, चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है और
अभी कुछ भी नहीं है, जल्दी जल्दी से मैं ऐसा करता हूँ पहले यहाँ की सफाई कर लेता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पे सिर्फ कांटे कांटे हैं और थोड़े से कांटे हैं, वैसे ज़्यादा नहीं है, तो इन कांटों को पहले क्लियर करता हूँ और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे टेंट वगैरह पिच करता हूँ और फिर लकड़ी जलाने के लेके आते हैं। तो पहले इसे सफाई करते हैं। दोस्तों फाइनली अभी यहाँ की सफाई तो हो चुकी है और धीरे धीरे आप देख सकते हो अंधेरा होने लग गया है, तो हमें पहले टेंट पिच करना होगा। तो मैं अच्छे से पहले टेंट पिच कर लेता हूँ। अंकल हमारा कैंप लग चुका है, जल्दी जल्दी से लगाया हमने कैंप वगैरह, सारा कुछ हो गया। तो अब इन लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं और पहले आग जलाने का बंदोबस्त करते हैं ताकि कोई भी जानवर हमारे पास ना आए या फिर हमसे हम पे हमला करने की कोशिश ना करे। तो चलते हैं जल्दी से तोड़ने। हमें एक लकड़ा मिला है इधर, ये आप देख सकते हो ये लकड़ा रखा हुआ है और इधर बहुत सारे कांटे भी है जिनको साफ करते हैं जल्दी से और आगे चलते हैं। हमने तोड़ लिया इतना सारा लकड़ा और इतनी सारी लकड़ियां हो गई है। अभी हमने सारी लकड़ियाँ तोड़ ली है छोटा छोटा, अभी बारी है चूल्हा बनाने की। थोड़ा सा चूल्हा बना लेते हैं ताकि गहरे से जो कि आग थोड़ी बाहर ना जाए। ये देखो ये चूल्हा हमारा जल चुका है और अभी देखते हैं क्या करना है। अब जल्दी जल्दी से हम ऐसा करते हैं, पहले अच्छा हमारे खाने के लिए वक्त थोड़ा खाना वाना बनाते हैं।
अभी मसाला डालते हैं सारा। अकेला आदमी कैसे शूट कर पाता है, बहुत मुश्किल है भाई। अब पहली बार है और चिपक गया थोड़ा सा, पर हाँ अच्छा खासा पक रहा है वैसे। मुझे लगा हम इन चावल को थोड़ा सा पानी में भिगो देते हैं जब तक कि मसाला हमारा पक जाएगा, ताकि चावल को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हमारा मसाला पक चुका है। ये एकदम से रेडी हो चुके हैं बनके। अब बाप रे बहुत गर्म है, ये चावल डालते हैं। वाह ठीक ठाक बन गए गाइस। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने अभी इसके अंदर एक मतलब दो तीन मेरे पास, चलो मैं आपको पहले दिखाता हूँ, मेरे पास दो तीन आलू बच गए थे और मैंने भाई बहुत गर्म है बहुत, ये आलू है और ये आलू को सेका है और बहुत ही यम्मी लगते हैं। दो तीन और हैं मेरे पास, ये रहा देखो भाई, बहुत ही दिखने में काफ़ी टेस्टी दिख रहा है ये। हाँ हाँ काफ़ी अच्छा लगेगा खाने में। गाइस कसम से मैं बता रहा हूँ, आज मेरी कैंपिंग पूरी वसूल हो गई, इतना बढ़िया लग रहा है ये। और आप देख सकते हो, ये देखिए आप कितना बढ़िया दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लगा है। सिका हुआ जो आलू होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि अंगीर क्या बोलते हैं इनको, शायद आई डोंट नो, हम अंगीरा बोलते हैं इसे, और आई डोंट नो कि क्या बोलता होगा इसे, कोयला कोयला, जिसे कोयले के अंदर हमने इसे सेका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओ बाप रे दोस्तों, एक स्कैम हो गया हमारे साथ। आप सुन सकते हो बाहर जानवरों की आवाज आ रही है भाई साहब, एक जानवर अभी यहाँ आके गया है, लगभग अभी 3:30 बज चुके हैं और भाई खतरनाक डर लग रहा है, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है बाहर जाने की। देखता हूँ यहाँ से कुछ दिखता है तो भाई डर से कुछ
ओ भाई कुछ चमक रहा है उधर। भाई साहब बंद कर लेता हूँ मैं, एंकर वाला डर लग रहा है। वो कुल्हाड़ी मेरे हाथ में ले रखी है मैंने, हे भगवान। अभी जैसे ही वो जानवर यहाँ आया था, अब मेरी 1% भी हिम्मत नहीं हो रही है भाई अंदर जाने की। ना जाने क्या होगा, ये भगवान। बस 3-4 घंटा और हमें गुजारना है, बस कुछ नहीं होना चाहिए। कुल्हाड़ी मेरे हाथ में, अगर कुछ भी होगा तो मैं चला दूंगा। अभी बंद हो गई आवाज़, शायद चला गया वो, पता नहीं। बस जो भी होता है मैं आपको बताता हूँ। एक ओट कम से कम आधे घंटे पहले, अभी 4 बज चुका है और अब वो आवाज़ बंद हो चुकी है बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पहले आ रही थी। अभी एकदम बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तो बाहर देखा भी नहीं है, मतलब क्या हुआ। तो अब ये वापस से सो जाते हैं, लगभग 2 घंटा और सोना है हमें 6 बजे तक। अभी जल्दी सोते हैं और सोने के बाद में वो डायरेक्ट सुबह ही होगी। अब एक भी जानवर नहीं आना चाहिए। हे गॉड हमारी मदद करना भाई, थोड़ा सा डर तो लगता है। फटती तो सबकी है भाई ऐसे, मतलब जंगल के अंदर तो डर लगता ही है। गुड मॉर्निंग, और सुबह हो चुकी है, अभी जल्दी जल्दी से निकलते हैं। बाहर का मौसम आप देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। तो अभी हम जल्दी से बाहर चलते हैं। गुड मॉर्निंग सबको, और गाइस यहाँ हो चुका है, देखो सन पॉइंट हो चुका है, अभी सन निकल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और इधर हमारी चाय भी बन रही है, तो आज तो मज़ा ही आ जाएगा, मतलब इस क्रेजी मोमेंट्स के साथ में चाय वाय पीने का। तो गाइस ये रही हमारी स्कूटी, और इधर सारा कुछ सामान रख दिया, और अब सारा सामान रखते हैं और चलते हैं। आई होप कि गाइस ये नाइट कैंप आपको और ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।